आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, वार्ता 24 में आपका स्वागत है। लगातार जिस तरह गैंगस्टरों के कारनामे बढ़ते जा रहे हैं, इनके धमकी भरे कॉल से लोग परेशान हैं और कानून इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी कर रहा है। ऐसे में गैंगस्टर के गैंग जिस तरीके से विस्तार कर रहे हैं, वो अलग अलग प्रदेशों में अपने शूटरों को तैयार करते हैं ताकि वो वारदातों को अंजाम दें, ताकि वो उनकी गाड़ी कमाई के लिए उनको पैसा कमा करके दें। अब ऐसे में जरूरत थी कि पुलिस भी एक साथ आ जाए और इसी तरीके की कुछ प्लानिंग तैयार हुई है। जी हाँ, NIA राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी ने एक अहम फैसला लेते हुए चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब तीनों की ही DGP संयुक्त रूप से अब बैठक करेंगे और बैठक कर अपने अपने प्रदेश में किस तरीके से नकेल लगाई जाए इन गैंगस्टरों पर, उस पर प्लानिंग होगी। आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट तोड़ने के लिए ये बड़ी प्लानिंग की जा रही है। इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए निश्चित तौर से अलग अलग प्रदेशों को एक साथ बैठक करना जरूरी था और अब वो फैसला ले लिया गया है। इस फैसले के तहत अब हर महीने में एक बार ये बैठक की जाएगी और जिस तरीके से शूटरों की जानकारी मिलती है उसको आपस में साझा किया जाएगा और उन पर किस तरह नकेल कसी जाए उस पर भी बात की जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है, इस तरीके से कई सारी गैंग्स हैं। NIA पहले ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में एक्टिव 26 गैंगस्टरों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट लगा चुका है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई, अर्श डल्ला, जगदीप सिंह और गोल्डी बरार, सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु विक्रमाजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड, संदीप झंझरिया उर्फ काला जठेरी, वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा, जोगिंदर सिंह, राजेश कुमार उर्फ राजू मोटा, राजकुमार उर्फ राजू बसोदी, अनिल उर्फ चिप्पी, नरेश, सहबाज, गौरव, सुखप्रीत, ये तमाम वो नाम हैं जो गैंग सक्रिय हैं। अपराध की दुनिया के वो बड़े नाम हैं जिन पर नकेल कसी जा रही है। नकेल सिर्फ इन पर ही नहीं, इनके गैंग के उन शूटरों पर भी कसी जाएगी। उन शूटरों के खिलाफ भी अहम सबूत हाथ में लगे हैं, जिसके बाद ये जानकारियां साझा कर इन सभी गैंगों को पूरी तरह नस्तोनाबूद करने का काम किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी ने जिस तरीके से प्लान किया है, इसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इन गैंगों पर लगाम लगाई जाएगी और आम लोग, आम व्यापारी या वो बड़े नाम इंडस्ट्री के, वो बड़े नाम फिल्म जगत के चैन की नींद सो सकेंगे। क्योंकि जिस तरह हाल में ही गोल्डी बरार ने धमकी भरा कॉल किया था एक फिल्म स्टार को, उसके बाद से कई सारे और नाम भी आए। कई सारे धमकी भरे कॉल ऐसे भी होते हैं जिसमें शिकायतें ही दर्ज नहीं होती हैं और डर और भय के साए में वो व्यापारी पैसा दे देते हैं, जिसके चलते ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। हालांकि सरकारें और पुलिस लगातार अपील करती है कि ऐसी कोई भी धमकी आती है तो आप संपर्क करिए, ताकि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और अब इस तरीके के प्लानिंग के बाद निश्चित तौर से ऐसे अपराधों पर नकेल कसी जाएगी, ऐसे अपराधी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आज की पेशकश के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता 24।